मेरा हिसाब से आप लोग भी अपना मम्मी को, भाई बहन को या दोस्त को ऐसा खड़ा कर दीजिए। खड़ा करने का बाद हेलो गाइस, आज आउटडोर लेके चल रहे हैं। शाम का वक्त है तो एक स्टूडेंट है, साथ में जाते हैं। उनको आउटडोर का दिखाएंगे कैसे ड्राइंग किया जाता है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए आउटडोर, आज आज थोड़ा नया टॉपिक के ऊपर, आउटडोर के लिए, बाहर स्टडी करने के लिए कैसे होता है। चलिए आज आउटडोर। ड्राइंग में एक स्टूडेंट का साथ आए थे, वो आउटडोर ड्राइंग और बुक का ड्राइंग दोनों में बहुत आसमान जमीन का फर्क रहता है। तो आउटडोर ड्राइंग स्टडी के लिए सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे अच्छा होता है। जो भीड़ भाड़ जगह होता है वहाँ पर इंसान को स्पीड ड्राइंग में, फ्री हैंड ड्राइंग स्पीड में किया जाता है, उसका मूवमेंट को कैचिंग किया जाता है। तो ये करने से बहुत अच्छा ड्राइंग का स्केल उभर के आता है और ड्राइंग बहुत फास्ट भी हो जाता है। मगर अभी कोरोना के लिए ये हम ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह में नहीं जा सकते और इसीलिए एक ही स्टूडेंट को हम लेके आए हैं, सिर्फ थोड़ा सा दिखाने के लिए। ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, काम करता है। थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी में हम लोग ये वीडियो किए क्योंकि पानी देख सकते हैं, पानी गिर रहा है। तो आप लोग भी हो सके किस घर में किसी को खड़ा कर दीजिए और उसको स्टडी कीजिए। और बुक से ज़्यादा ऐसे करके अगर करेंगे तो मेरा हिसाब से ज़्यादा इम्प्रूव होगा। बुक में क्या है, बुक में या फोन में आप उसको पिक्चर देख सकते हैं, मगर इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है, हर समय मूवमेंट होता है। ये स्टिल कोई खड़ा नहीं हो सकता और जो खड़ा होता है वो लोग प्रोफेशनल रहते हैं, तो वो उसको कैप्चर करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो वो 3D आपको दिखता है और फोन में 2D
में आपको फ्लैट में दिखता है, तो इसीलिए आसानी होता है, और सामने से रहने से वो थोड़ा हार्डनेस रहता है, हार्ड लगता है सामने खड़ा होने से, वो 3D मूवमेंट रहता है, तो इसीलिए उसको एब्जॉर्ब करना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर वो अगर सीख गए तो अच्छा ड्राइंग का इम्प्रूव हो जाएगा। तो आप लोग भी ऐसे कीजिए, हम कभी फिर और एक बार इससे अच्छा करके दिखाएंगे। अभी तो पानी के लिए चलते हैं, जल्दी जल्दी हम वीडियो करके ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा देर में ही फिर बादल हो गया बहुत ज़्यादा। और हो सके तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बाय।